क्या आप सी एस स्टूडेंट हो या कोई ऐसे पर्सन जो कंपनी सेक्रेटरी ना होते हुए भी नाम के आगे सी एस प्रिफिक्स लगा देते हो तो फ्रेंड्स ये बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है क्योंकि आई सी एस आई ने एक एडवाइजरी वार्निंग कह लो जारी करी है जिसमें ऐसे लोगों पर हैवी पेनल्टी लगाई जाने की बात कही गई है नमस्कार दोस्तों मैं भुवन तड़ागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं चलिए जान लेते हैं कि आई सी एस आई एडवाइजरी में क्या कहता है तो ये एडवाइजरी जो है छः जून 2024 को आई ने निकाली है जिसमें वो बात करता है वॉयलेशन ऑफ सेक्शन 24 फोर ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट नाइनटीन की तो उसमें क्या कह रहे हैं इट हैज़ बिन नोटिस दैट सम ऑफ द स्टूडेंट ऑफ आई आई मतलब इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट ही एंड अदर पर्सन आर प्रिफिक्सिंग सी एस बिफोर देयर नेम इन वॉयलेशन ऑफ सेक्शन ट्वेंटी फोर और सेक्शन ट्वेंटी फोर ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज क्या कहता है पेनल्टी फॉर फॉल्सली क्लेमिंग टू बी अ मेंबर ठीक है तो मैंबर आप हो नहीं और आप फॉल्सली क्लेम कर रहे हो आप स्टूडेंट हो फाइनल के स्टूडेंट हो इवन थो आपके सारे एग्ज़ाम्स निकल जाए फिर भी आप नाम के आगे सी एस नहीं लगा सकते अनटिल अनलेस यू गॉट मेंबरशिप जब तक आपको मेंबरशिप नहीं मिलती तो आप सी एस प्रिफिक्स नहीं लगा सकते और इसके इसके लिए आपको हैवी पेनल्टी देनी पड़ सकती है यहाँ पे कहता है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन सेवन एनी पर्सन हु तो पहला यहाँ पे कहता है नॉट ए मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट रिप्रेजेंट दैट ही इज ए मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट और यूज इज डिजिग्नेशन एज ए कंपनी सेक्रेटरी और यूज द लेटर ए सी आफ्टर हीज़ नेम तो अगर आप मेंबर नहीं हो इंस्टीट्यूट के मतलब आपको मेंबरशिप अलॉट नहीं हुई है तो आप ए सी नाम के बाद भी नहीं लगा सकते हो डिजिग्नेशन कंपनी सेक्रेटरी अपनी नहीं लिख सकते हो और अपने आप को मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो दूसरी चीज़ कहता है बीइंग ए मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट बट नॉट हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है रिप्रेजेंट दैट ही इज ए प्रैक्टिसिंग और प्रैक्टिस एज ए कंपनी सेक्रेटरी ये वॉयलेशन है किसका सेक्शन ट्वेंटी का तो शैल बी पनिशेबल ऑन फर्स्ट कन्विक्शन पहली बार अगर आपका कन्विक्शन होता है तो फाइन विद मे एक्सटेंड टू वन लाख रुपीज़ कितने एक लाख रुपए का आपको फाइन लग सकता है ऑन एनी सब्सिक्वेंट कन्विक्शन अगर आप बाद में दोबारा करते हैं विद इम्प्रीजमेंट विच मे एक्सटेंड टू सिक्स मंथ और फाइन विच मे एक्सटेंड टू फाइव लाख रुपीज़ और बोथ मतलब कि अगर आप बार बार अगर आप ऐसा करते हो तो आपको छः महीने की सजा और फ़ाइन पाँच लाख रुपए तक का और बोथ दोनों लगाए जा सकते हैं तो फ्रेंड्स ये काफ़ी हैवी पेनल्टी है अगर आप स्टूडेंट हो तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखो कि जब तक आपको मेंबरशिप नहीं मिली है तब तक सी प्रीफिक्स ना लगाएं और आप बनने ही वाले हो तो इतनी जल्दी क्या है सी प्रीफिक्स लगाने के लिए तो स्टूडेंट ऑफ़ इंस्टीट्यूट एंड अदर पर्सन कोई और पर्सन भी आर एडवाइज टू टेक नोट ऑफ दिस एडवाइजरी स्टिक कम्प्लाइंस अदरवाइज इंस्टीट्यूट क्या करेगा इनिशिएट एक्शन एज़ पर द प्रोविज़न ऑफ लॉ अगेंस्ट ऑल सच वॉयलेशन तो ये एक इंपॉर्टेंट एडवाइजरी आईसीएसआई दे रहा है जो भी लोग इस तरह की वॉयलेसन करते हैं तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखिए अगर आप इस तरह का आपने लगाया हुआ है तो तुरंत उसको हटा लीजिए अदरवाइज़ आप पर एक्शन लिया जा सकता है इंस्टीट्यूट के द्वारा आप अपने आसपास के जितने भी आपके दोस्त हैं जिन्होंने इस तरह से प्रीफिक्स में सीएस लगाया हुआ है जो सीएस नहीं है आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम आते रहेंगे आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फिर मिलेंगे तब तक आप स्वस्थ रहे सुरक्षित रहे जय हिंद बाय